फिरोजाबाद के थाना उत्तर के कौशल्य नगर क्षेत्र में एक युवती बारात आने से पहले ही घर वालों को नशीली चाय पिलाकर और आभूषण नकदी लेकर फरार हो गई। चाय पीने से 6 लोग अचेत हुए हैं, जिनका उपचार जारी है। दावत और शादी के पंडाल की तैयारी उस समय धरी की धरी रह गई जब एक युवती बारात आने से पहले ही घर वालों को नशीली चाय पिलाकर रफू चक्कर हो गई। परिजनों की माने तो युवती की बारात शनिवार को आनी थी, उसे एक रात पहले संगीत के दौरान युवती ने घर वालों को नशीली चाय पिलाई। नशीली चाय पीकर 6 लोग अचेत हो गए और इसी दौरान युवती दुल्हन बनने से पहले ही घर का कीमती सामान समेट कर फरार हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। परिवार ने पड़ोसी युवक पर लड़की भगाने का आरोप लगाया है। ऐसा हुआ है, रात को करीब 9-9:30 बजे तक लड़की बहुत खुश थी, ढोलक बजाने की तैयारी थी, सब बज रही थी और ढोलक बजाने बजाते बजाते मैं आया बाहर से, बोले भैया चाय पियोगे क्या? चाय पी लेंगे, बना रहे हो, थक गए हैं तो चाय बनाने के चक्कर में फिर उसने पता नहीं क्या किया है, सबको चाय पिलाई है और चाय पीते पीते हम तो भाई नशा सा हो गया, लगभग 5-6 लोगों ने पी थी और चाय पीने के जितने जब सुबह उठे हैं तो सुबह 4-5 बजे लड़की आए। शादी कब की थी उसकी? शादी आज बारात आ रही थी। किसी पे शक वगैरह है? कोई कौन है सामने का? मतलब पैसे और जवाहरात वगैरह सब लेके चली गई। किसके साथ पता चला? आयन के साथ। आयन के साथ। वो कौन है? वो मोहल्ले का लड़का है। कहाँ की बात है? कौशल्य नगर।